वेलकम लंच बॉक्स यूट्यूब चैनल। और आज की सब्जी है दही तुरई की सब्जी। इसके लिए हरी मिर्च ले लेते हैं, ये फाइनली चॉप करके, एक कप तुरई, थोड़े से करी पत्ता, तेज पत्ता और पचफोरन। एक मिक्सर बनाएंगे जिसमें दो कप बेसन, एक कप दही, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर एक चम्मच, आधा चम्मच चीनी पाउडर आधा चम्मच, हल्की सी शुगर, चीनी, सभी को अच्छे से मिक्स करें, बिना पानी डाले हुए मिलाएं, नहीं तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब इस तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर एक कप पानी डालें और एक अच्छा सा घोल बना लें, तो साइड में रखें, गैस ऑन करते हैं। दो चम्मच पचफोरन, तेज पत्ता, हल्का सा भून लें। तो 2 मिनट पकाएंगे हल्का सा पानी डाल के, सब्जी में मुलायम हो जाएगी, उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा। दही और बेसन का मिक्सर मिक्स करते हैं हल्की आंच पे और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगी और ग्रेवी का सारा टेक्सचर बिगड़ जाएगा। तो जल्दी जल्दी मिक्स करें बॉयल आने तक, इसे घुमाते हुए इसको 3 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा पानी मिक्स करें और सब्जी को 2 मिनट और पकने दें। ये 3 मिनट हो चुके हैं और मैगी लगभग पक के तैयार है मेरी। अब एक कप में निकाल लेते हैं सब्जी को, गैस को ऑन करेंगे और एक तड़का बनाएंगे इसके ऊपर से डालने के लिए, जिसमें होगा घी, जीरा, सूखी लाल मिर्च और हींग। ले गया हमारा जीरा, जीरा को क्रैकल होने दें, ये लाल मिर्च, हल्का सा हींग, अच्छे से पका लेते हैं। करी लीप से गार्निश करेंगे और तैयार है दही तुरई की सब्जी। 5 मिनट में बनती है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम मसालों से बनी, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका, एक बार ज़रूर ट्राई करें।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।